नाम ज्योति परेश इटालिया है। मैं कक्षा छठवी में पढ़ती हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक मंत्र प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका नाम है अतक तिलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम अस्य श्री तिलकम मंत्र वारुषि अनुष्टु प्रचंड श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठ लक्ष्मी न जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदेव दैत्य लोक शुक्षाशे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोम धृतधारिणे सर्वमेत देश निमान्यत्राणामी कलीमा सोपि शेक्षमावान पनोति सत्ता न जाप्य तत्पर सिद्ध्यान तु मच्चात निभीषाति वसुतानि संकलानि एवताय स्तुतियाता देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्याति न मंत्रो न शोध तत्र न कुंची दीप विद्वते विना जापयेत विश्वदित सर्वमाशुतनादिकं सम्रागणीयपि सिद्ध्या जयन्ति लोकशङ्कमीमामहर कृत्या निमन्त्रस्यामास सर्वमेव मिद्धशुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकाय स्तुत तच्च गुप्तमं चकार समाप्रीतान च पुण्यसत ताम पथावनीयत्मारणं सोपि शेक्षमावन् पतो सर्वमेव न संशय कृष्णाय वा चतुर्देशाय माष्टमाय वा समाहति ज्ञानत्याप्राभवाय क्रुयति न क्रुवर्णो विनाशयति तत्तो ज्ञातवेव स्वर्मति परन्मदि प्रारभयाते बुद्धे सौभाग्यादि च यति कञ्ची च दृश्यते लल्लाजने तत्सर्व तप्तर्सादेन तेन जाप्यमिन्द शुभम् श्यनेस्तु जपमाने सीममान स्तोत्रे सप्पार तेरुशक्ये भैतव्येव समग्रापि तत् प्रारभयामेव तत् ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य समापद शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सानकी जने। ओम इति देव्या किल्लका स्तोत्रम संपूर्ण। तो चलिए इसके मतलब से चालू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनके शरीर है तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र है जो कल्याण प्राप्ति का हेतु है तथा अपने मस्तक पर अधनार चंद्र का मुकुट धारण करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्र का जो अभिकिल्लक ये है अर्थात मंत्र की सिद्धि में विध्वन उपस्थित करने वाले शापरूपी किल का जो निर्वाण करने वाले हैं उस सप्तशती श्लोक का संपूर्ण रूप से सप्तशती के अत्मी शक्ति अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चातन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें स्तुति मंत्रों से ही सुषिद्धान दंता सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोगित आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके
अचातन आदि समस्या आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिषित वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशक्ति उपसगाने अथवा सप्तशीति को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपसानों से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। नामक सप्तशति नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। प्रसन्न होती है अन्यत उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्ध की निबंध कुर कल्लक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र का कलित करवा दिया। सर्वांत विचित्रे रहने पर भी इस स्तोत्र का कल्याण महादेव ने खुद किया था, तो यह इस स्तोत्र का मतलब था। तो थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट। बाय गाइज़।